नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सबको सिखाता हूँ कि आपके पास अगर पुराने फोटो पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं इसको कंप्यूटर में सेव करना या लैपटॉप में सेव करना तो कैसे कर सकते हैं, या आपके पास कोई कागज पड़ा हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है और आप चाहते हैं इसको कंप्यूटर में सेव कर देंगे, इसको मेल करना है तो ये सिखाऊंगा। इसको कहते हैं स्कैनिंग, मतलब कि हार्ड कॉपी को अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं आता है इस वीडियो को देखिए, आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, इसको कौन सी विधि कहते हैं, पूरा बताने का प्रयास करूंगा। पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छा जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पहुंच जाएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये तो जानते होंगे ये एक कंप्यूटर है और इसमें सीपीयू है, ये मॉनिटर है, कीबोर्ड माउस है, लेकिन आपको मेरे पास एक नया चीज दिख रहा होगा। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं ऑल इन वन प्रिंटर स्कैनर फोटोकॉपी। ठीक है दोस्तों, मतलब मान लीजिए आपको कुछ छापना अगर होगा ना, मतलब इस पे कुछ आपने कुछ टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद में पेपर में छापना होगा तो इसको छापने के लिए आपको प्रिंटर चाहिए होता है। तो प्रिंटर आप देखे होंगे, फोटोकॉपी मतलब इस चीज का हमको जो फोटोकॉपी दुकान फोटोकॉपी कराते हैं तो वो करा सकते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी के अंदर दिया हुआ स्कैनर, मतलब कि ये जो फोटो मेरे दिख रहा ना आपको हाथ में, जो फोटो है, खैर मेरा फोटो है ये और मेरी फैमिली का फोटो है, इस फोटो को मुझे अपने इस कंप्यूटर में डालना है, सेव करना है, या मुझे बॉम्बे दिल्ली कहीं मेल करना है तो कैसे करेंगे, इसी में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंपल तरीके से। इसी वीडियो को स्कैनिंग कहते हैं। देखिए आप देख रहे हैं प्रिंटर है ना, ये दिख रहा है पेपर, आपको यहाँ स्कैनर होता है ये रखते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल का दिखाता हूँ, आपको लेके चलता हूँ कैसे कैसे करना दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए, ये है आपका ऑल इन वन एचपी कंपनी का प्रिंटर स्कैनर फोटोकॉपी, इसको हमने ऑन कर लिया, पावर इसके अंदर आ चुका है। अब क्या करते हैं, ये जो फोटो देखिए ये, ठीक है मेरा फोटो दिख रहा है ना आपको, स्मार्ट लग रहा हूँ ना, बताइए जरूर बोलिएगा, ये बगल वाले पता नहीं, कोई मालूम नहीं मुझको है, लेकिन मेरा फोटो देखिए आप ही, ठीक है इसको मैं यहाँ सिंपल तरीके से ऐसे उल्टा रख देता हूँ इसको, ठीक है। जो फोटो को आपको करना होगा ना इसको स्कैनिंग करने के लिए, ये देख लिया, ये कर सकते हैं, ये आपको बता रहा हूँ, कोई भी स्कैनर आपको हो तो इसी तरीके से करते हैं उसको, हमने ऐसे रख दिया। अब कुछ नहीं करना आपने, देखिए कंप्यूटर के अंदर इसका सॉफ्टवेयर लोड होना चाहिए, ठीक है जैसे एचपी 1005 है आपके, कोई मॉडल प्रिंटर हो जिसके यहाँ स्कैनर हो तो उसका सॉफ्टवेयर यहाँ पर लोड होना चाहिए, यहाँ पर लोड है। अब क्या करेंगे, इस कंप्यूटर के अंदर आपका विंडोज 10 लोडेड है, तो देखिए मैंने एक सॉफ्टवेयर लोड कर रखा है जो इनबिल्ड होता है विंडोज के अंदर, यहाँ देखिए विंडोज फैक्स एंड स्कैन दिख रहा है आपको ना यहाँ डेस्कटॉप पे, अगर इनकेस आपको ना मिले यहाँ पर तो आप यहाँ क्लिक करिएगा, देखिए सर्च ऑप्शन पे क्लिक करिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर लिखिएगा स्कैन SCAN स्कैन लिखेंगे तो ये विंडोज फैक्स एन ये आ गया ना, इसको हम राइट क्लिक करके अगर चाहेंगे तो ओपन कर लीजिए और यहीं से रन कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी डेस्कटॉप पे डाल रखा है, वरना खोलना चाहते हैं आप ओपन फाइल लोकेशन क्लिक कर लीजिए, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन खुल के आ गया। अब इसको मैं सेंड टू डेस्कटॉप कर देंगे तो आपका डेस्कटॉप पे आ जाए, मैंने भेज लिया है और इसको हम क्लिक करके देखिए हमारे डेस्कटॉप पे ये आ गया पहले से। अब क्या करना, हमको कुछ फोटो हमने यहाँ डाल दिया, अब हमको स्कैन करना, मतलब कंप्यूटर में हमको डालना है इस फोटो को, ये केबल से कनेक्टेड है, आप देखिए यहाँ इस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में देखिए एक विंडोज खुल के आ गया, देख रहा है ना विंडोज खुल के आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, देखिए पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है न्यू स्कैन, दिख रहा है आपको न्यू स्कैन दिख रहा है ना, ये न्यू स्कैन, अब इस पर हम क्लिक करेंगे, न्यू स्कैन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू स्कैन के ऊपर क्लिक किया हमने और देखिए उसके बाद जो है एक और मेनू खुल के आ गया, आपके पास जो प्रिंटर होगा उसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिख के आएगा, स्कैनर एचपी लेजर, तो मेरे पास एचपी 1005 पड़ा हुआ एमपी ये है, और प्रोफाइल कुछ आपको चेंज करना चाहते हैं चेंज करना वो ना, मैं तो कहूँ कुछ चेंज मत करिए, ठीक है। अब स्कैन करना सिंपल, यहाँ देखना चाहते हैं प्रीव्यू, तो प्रीव्यू क्लिक कर देंगे तो कंप्यूटर में सेव नहीं होगा, आपको सिर्फ प्रीव्यू दिखाएगा, लेकिन स्कैन पे क्लिक कर देंगे तो आपके ये कंप्यूटर में फोटो सेव हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसको स्कैन कर लेते हैं, इसके स्कैन के ऊपर हम इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये स्कैनिंग पेज वन लिख के आ रहा, दिख रहा है क्या ना, अब क्या कर रहा है, यहां से फाइल को लेकर प्रिंटर से आपके कंप्यूटर में स्कैनिंग पेज लिख के आ रहा, फोटो हमने देखिए यहां डाला हुआ है, ठीक है फोटो हमने यहाँ डाला हुआ है इसके अंदर, लेकिन अब फोटो आपको यहाँ कंप्यूटर में दिखेगा, इसको स्कैनिंग करते हैं। देखिए दोस्तों ये सीखना आपको बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए फोटो आ गया ना, ये देखिए ये फोटो मेरा आ गया ना, हीरो वाला फोटो आ गया ये, अब इसको क्लिक करना है, दोबारा क्लिक कर लिए तेज तेज, या इसके राइट क्लिक करिए, व्यू पे क्लिक करिए, व्यू पे क्लिक करके देखिए फोटो आपका जो है ये बड़ा सा खुलने वाला है, खुल गया है, इसको उल्टा सीधा करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रोटेट कर सकते हैं यहाँ से इसको, देखिए ये फोटो आपका रोटेट बड़ा हो गया, दिख रहा है ना, अब मेरे ये कंप्यूटर में आ चुका है, इसको बड़ा करना है तो ये मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, फोटो फट रहा है लेकिन देखिए ये फोटो बड़ा हो गया, दिख रहा है ना ये, तो अब इसको मैं सेव कर लूंगा तो आज से 10 साल बाद खोलूंगा तो ये फोटो आ ही पड़ा रहेगा, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, ये जो फोटो आपका मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, ये टाइम के हिसाब से इसका कलर फेड ऑफ होगा,
ये धीरे करते 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 मैं यहाँ कलर फेड होगा, ये खराब हो जाएगा, लेकिन अब ये इस कंप्यूटर में पड़ा रहेगा, लैपटॉप में पड़ा रहेगा, तो ये अब फेड नहीं होने वाला है। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से इसको आप करके जो है सेव कर सकते हैं। क्लियर है? और कहीं शेयर करना है तो आप इसको जो है सिंपल शेयर पर क्लिक करेंगे। शेयर करने मतलब मेल करना, आपको है, मेल कर सकते हैं, और जैसे व्हाट्सअप फेसबुक करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, मेल करना है मेल कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, प्रिंट करना है आपको यहाँ सिंपल प्रिंट करेंगे तो प्रिंट दिखाता हूँ। देखिए ये पेपर है ये, और इसको मान लीजिए मुझे इसे प्रिंट करना है, ठीक है? अब मैंने कर लिया है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर तो ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलेगा। इस पर क्लिक करके अब हम प्रिंट कर देते हैं। देखिए अभी यहाँ से कमांड जाएगा कंप्यूटर के अंदर, और यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग लेके आ रहा है। ठीक है, फोटो डाल दिया हमने तो इस तरीके से ये पेपर ले लिया है, और देखिए बहुत अच्छा प्रिंटर है ये, इसको ऑल इन वन प्रिंटर कहते हैं। देखिए आ गया ना फोटो, प्रिंट हो गया ना, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर था इसलिए आपका ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट आया है। कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं चश्मा लगा रखा हूँ दोस्तों। इसको कहते हैं स्कैनिंग, ठीक है? तो आपके मतलब कंप्यूटर के अंदर पुराने फोटोज हो गए, और आपके पास चाहते हैं जैसे कि एक फोटो यही पड़ा हुआ है, इसको भी जैसे बड़ा फोटो है ये, बड़ा फोटो डालना चाहते हैं, सिंपल इसको ऐसे पकड़ के इसको यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए, ठीक है? उल्टा डाल देना है यहाँ पे, डालने के बाद में इसको ऐसे आप रख दीजिए, रख दिए, रखने के बाद में और सिंपल जो प्रक्रिया हमने अपनाया हुआ था, फिर उसको क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये दिया हुआ विंडोज फैक्ट दिया हुआ है, फिर दोबारा इसको क्लिक कर, ये दोनों मेरे बच्चों का फोटो है इसलिए मैं दोबारा स्कैन कर रहा हूँ। फिर इस पर न्यू स्कैन पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर स्कैन पर क्लिक कर दिया। प्रीव्यू नहीं, प्रीव्यू मतलब कि आपको वो प्रीव्यू दिखाएगा कंप्यूटर और लैपटॉप में, सेव नहीं करेगा, तो ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जा रहा है। तो ये एक फोटो दिखा रहा हूँ, सेम प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ ना, कोई जैसे जमीन का कागज पड़ा हुआ है आपके पास पड़ा हुआ है, कोई सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है आपके पास, तो उसको भी स्कैन करके आप रख सकते हैं, कहीं मेल करना मेल कर सकते हैं कहीं। देखिए आगे ना कितना अच्छा फोटो है बच्चों का, एकदम पूरा ना, ये मेरा छोटा बच्चा, इसका नाम मानव है, और देखिए इसको बड़ा देखना, व्यू पर क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद इसको व्यू करके इसको उल्टा सीधा करना है यहाँ से। देखिए इसको आप टेढ़ा उल्टा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं फोटो को, देखिए कितना अच्छा फोटो ना। अब मेरे पास क्या एक फोटो एक था, दुकानदार के पास जाता, दुकानदार क्या करता है ये फोटो ये पड़ा हुआ है ना, ये फोटो यहाँ पे पड़ा हुआ है, फोटो कंप्यूटर में आ चुका है। अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, सेव कर दूंगा तो बहुत दिनों तक ये फोटो मेरे पास पड़ा रहेगा। थोड़ा आपको एक्सपर्ट अब थोड़ा है तो इसको एडिटिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा फिल्टर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हैं जैसा काम करेंगे। तो ये देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं यहाँ से, देख रहा ना स्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं ये यहाँ कर सकते हैं। फिल्टर करना चाहते हैं फिल्टर में देखिए ये थोड़ा दिया हुआ, ये कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट करना, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। कहने का तात्पर्य यह है कि स्कैनिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं कि आपके हार्ड कॉपी, जो कि हम इसको हार्ड कॉपी कहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये हार्ड कॉपी होती हैं। जब ये चीज़ें कंप्यूटर में लैपटॉप में आ गया उसको सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं, इसको मेल कर लीजिए प्रिंट आउट, मतलब जो काम करना आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, स्कैनिंग कैसे करते हैं, स्कैनर को क्या कहते हैं, यही चीज़ होती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था और आप सब लोग को मालूम पड़ चुका। देखिए क्या है ना कि आज के डेट में आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसके आपका साइन मांगता है, साइन मांगता है, आपको फोटो मांगता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, इसी विधि के माध्यम से आपकी फोटोज को आपके साइन को स्कैन करना पड़ता है, एडिट करके रखना पड़ता है, तो उसको आपको सेव करना पड़ता है, तब आप जब फॉर्म मेल करते हैं तो आपको भेजना पड़ता है दोस्तों। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था स्कैनर के बारे में। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताया के लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना उनको मालूम नहीं होता है सारी चीजें, इस वीडियो को देखने के बाद उनको मालूम पड़ जाएगा। कहने का आप सब लोग को नमस्ते एक बार दोस्तों।